गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। चलो आज फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और गांव में घूमते हैं, गांव के बारे में जानते हैं, गांव के बारे में बताते हैं। ये है करेला और ऊपर आड़ू का पेड़, ये है राजमा और मक्का। गाइस यहाँ पे देखिए आप, ये है रिंगाल का पेड़। और रिंगाल का पेड़ ये काम आता है गांव में अक्सर। इसका काम जो होता है वो होता है, आपको गांव में कंडी बनाते हैं और टोकरियाँ बनाते हैं, बहुत काम ये पहाड़ी गांव में आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है हमारे सेब के पेड़ और सेब लगे हुए हैं आजकल, बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन इसके अलावा दूसरी जो प्रजाति के सेब हैं वो भी दिखाऊँगा, वो बड़े हैं। ये सेब इससे झुक गया था काफ़ी और ये ज़मीन पर आ गया था, इसलिए इस पर थोड़ा सा सपोर्ट लगा दिया नीचे से। और सेब आजकल ही बड़े हो रहे हैं और एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे ये मार्केट के सेब होंगे, लाल और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ज़मीन पे तो क्विंटलों के सेब गिरे हुए हैं और पेड़ पे भी अभी बहुत अधिक सेब लगे हुए हैं। और ये पक्षियाँ और यहाँ पर जो जंगली जीव होते हैं ये बहुत परेशान कर देते हैं इस सेब के पेड़ को। मतलब ये ना रात और दिन काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि ये अक्सर आते रहते हैं। रात को तो जंगली जीव आते हैं और दिन में पक्षियाँ बहुत परेशान करती हैं, सुबह 5 बजे से लेके पूरे दिन भर ही परेशान करती हैं। ये दिखाता मैं आपको जंगली जीव किस तरह से ये सेब खाते हैं। ये देखिए, ये पक्षियों ने बुरा हाल कर रखा, ये देखिए। इससे आइडिया लगा सकते हैं आप, इतना खा सकता है एक पक्षी, तो लगा सकते कि अगर झुंड में पक्षियाँ आ गई तो कितने नुकसान कर सकती है। और यहाँ पे देखिए, बहुत ग्रीन सेब हैं अभी इस पेड़ पे, बहुत ज़्यादा ग्रीन है अभी। ऐसा लग रहा है कि अभी ये पकने में 2-4 महीने लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, 1 महीने बाद आपको ये जो सेब हैं ये पके हुए दिखेंगे और इनका रस बहुत मीठा हो जाएगा उस टाइम पे। अभी ये इतने ज़्यादा खट्टे हैं कि इन्हें हम अपने मुँह में रख तक नहीं सकते हैं, पूरे दांतों पर ये बहुत ज़्यादा असर कर देते हैं, इतने खट्टे हैं। ये वाला पेड़ बहुत खट्टा है देखिए, और ये वाला पेड़, आपको इसी के बगल वाला पेड़ जो दिखेगा ये बहुत मीठे हैं। मैं आपको इसका स्वाद चख के बताता हूँ आजकल ये कैसे हो रहे और आने वाले 1 महीने बाद इसका स्वाद कितना अधिक स्वादिष्ट होगा ये भी बताऊँगा आपको। तो एक सेब मैं हल्के से निकाल लेता हूँ, ओह, एक सेब निकालने के चक्कर में 2 सेब का घाटा हो गया, एक गिर गया, वो नीचे झाड़ियों के अंदर पहुँच गया। इसका स्वाद बताता मैं आपको, मीठे तो हैं ही, लेकिन इनके अंदर इतना पानी है, सच में बहुत अधिक पानी है, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत अधिक होता है और इनका रस बहुत अधिक आ रहा है मुँह में, कटोरा भर का पानी आ रहा। तो यह है सेब का बगीचा, बहुत अच्छी सेब इस बार फसल, सेब की फसल हुई है। और सेब की फसल होने के साथ साथ थोड़े से हिलने के कारण ये पूरे नीचे गिर जा रहे हैं, इसलिए मैं इनके नीचे ही बैठा हुआ हूँ। और इधर देखिए, ये इधर पे बहुत ज़्यादा सेब इधर गिरे हुए हैं नीचे पे, यानी ये वेस्ट चले गए, एक दो क्विंटल तो वैसे भी चले गए। और इसके बगल वाला पेड़ बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए, इस पे भी मीठे सेब हैं और ये भी इसी महीने खाने के लायक हो जाएंगे, यानी आने वाला 1-2 हफ्ते के बाद। अगर आपको सेब से तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि हमें भी सेब से, मैं आपको भिजवा दूँगा। इस पेड़ को लगाए हुए 3 साल हो गए और ये भी सेब देने लग गई, देखिए ऊपर पे, यहाँ पे ऊपर पे 3-4 सेब लगे हुए हैं इस पे, और इसे 3 साल के बाद ही सेब देना स्टार्ट कर दिया, यानी हो सकता है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी और की, और आने वाले वक्त में ये बहुत अधिक सेब दे सकता है, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। गाँव में देखिए आजकल ये वाले, ये लकड़ियाँ इकट्ठी हो रखी हैं जाड़ों में आने वाले वक्त के लिए। जाड़ों में बहुत अधिक ठंड होती है यहाँ, क्योंकि ये हिमालय का अंतिम गांव है और तो ऐसे में बहुत अधिक ठंडा होता है गांव में,
तो आला जमा जलाने के काम आता है। और मैं 3 से 4 सेब लेकर आया हूँ, मैं इससे चटनी बनाने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले दोपहर में इसकी चटनी खाने वाला हूँ। बहुत टाइम बाद कहाँ आया हूँ। तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।